सेना के सहयोग। कोरोना से लड़ाई में कुछ किरदार ऐसे हैं जो जानबूझकर इस महामारी को फैलाने का काम कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले ये लोग मुसीबत का सबब बन हुए हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा को कमाई का अवसर बना चुके हैं। जरूरी दवाओं की कालाबाजारी से लेकर कई अस्पताल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि संकट काल में सौदेबाजी क्यों? भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग को जीतने के लिए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस संकट काल में भी अच्छाई जिंदा है, लेकिन इस अच्छाई के बीच बुराई भी कुंडली मारी बैठी है। मसलन आपदा में भ्रष्टाचार, नियमों का उल्लंघन, गैर जिम्मेदाराना रवैया और दवाइयों की कालाबाजारी। जितनी शिद्दत से समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं, जितनी गंभीरता से सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, शायद उतनी ही लापरवाही, उतना ही भ्रष्टाचार कोरोना की इस जंग में मुश्किलें पैदा कर रहा है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें इंदौर के एक अस्पताल की हैं जो अखाड़ा बन गया। कोरोना पीड़ित मरीज के तीमारदारों और अस्पताल प्रशासन के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। अस्पताल के स्टाफ ने महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती रवि प्रकाश वर्मा की बेटियां कृतिका और रुचिका अस्पताल की ओर से ज्यादा बिल मांगे जाने का विरोध कर रही थी, जबकि अस्पताल प्रशासन अधिक राशि मांगे जाने के आरोपों से इनकार कर रहा था। इसी बात पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। अस्पताल में भर्ती मरीज की बेटी रुचिका की माने तो उनकी बहन के कपड़े भी फाड़ दिए गए, जबकि काउंटर पर रखे 1,00,000 रुपए भी अस्पताल वालों ने रख लिए। इनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को थाने ले जाकर छोड़ दिया। इसमें ये बोल रहे हैं हम 1,00,000 रुपए मेंशन नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी की चाबी भी मेंशन नहीं करेंगे हॉस्पिटल स्टाफ की, और ये भी बोल रहे हैं हमारा जो मोबाइल गायब है वो भी हम नहीं देंगे। लोगों को प्रेशर बना रहे हैं और इन लोगों ने वहाँ इनको हॉस्पिटल के स्टाफ को सबको भेज दिया है, अरेस्ट एक को भी नहीं किया है। मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे, पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था, तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पे इनका आपस में विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले में रुचिका वर्मा की ओर से अस्पताल स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अगर अस्पताल प्रशासन पर ज्यादा बिल लिए जाने का आरोप सही पाया गया तो ये वाकई शर्मनाक घटना होगी। कोरोना से जंग में कुछ दवाइयां बेहद कारगर साबित हो रही हैं। रेमडेसिविर भी इन्हीं में से एक है। लिहाजा रेमडेसिविर की बढ़ती मांग को देखते हुए कालाबाजारी भी सक्रिय हो गए हैं। रेवाड़ी में ऐसे ही कालाबाजारियों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस के मुताबिक करीब 2,000 रुपए की कीमत वाला इंजेक्शन 23,000 रुपए में बेचा जा रहा था। 23,000 में बेचा जा रहा था, उनको फर्जी ग्राहक बना के भेज दिया, तो उन्होंने 24-50 की जगह 23,000 रुपये की, तो मौके पर उससे पूछताछ की गई, उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह इस बारे में नहीं मिला। इंजेक्शन नहीं दे रहे ना, CMO में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। आप कर लो, कहाँ भर्ती आप कर रहे हो? मातृका हॉस्पिटल। अभी आप बता रहे कितने में इंजेक्शन मिल रहा है आपको, ब्लैक में जो दे रहे हो आप? 28,000 रुपए का दे रहे हैं आप। कोरोना काल में शादियां तो हो रही हैं, मगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। हालांकि इन तस्वीरों में आपको किसी भी गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आएगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क नजर आएगा। तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये शादी राजस्थान के 84 से भारतीय ट्राइबल पार्टी की विधायक राजकुमार रोत की है। ध्यान से देखिए, दूल्हा बने विधायक महोदय ने ही मास्क नहीं पहना है,
शादी में भीड़ इतनी कि कोरोना ना आए तो जाए कहाँ। विधायक की शादी में पूरा इलाके के लोग उमड़ते और मैंने सबसे अनुरोध किया और सबने मेरी बात को माना और सब समझदारी से नहीं आए हैं। मैं कम से कम लोगों की लाके यहाँ पर शादी कर रहे हैं। मेरा विशेष सबसे अनुरोध है कि इस गाइडलाइन की पालना करें और बहुत कम से कम लोग ले जाके शादी आयोजन करवाएं। विधायक जी किस तरह नियमों का पालन कर रहे थे ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। जब उन्होंने खुद ही मास्क नहीं पहन रखा तो दूसरे क्यों पहने भला। हालांकि इस मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने विधायक जी को तो छोड़ दिया लेकिन उनके ससुर पर 25,000 रुपए का जुर्माना जरूर लगा दिया। सभी तहसीलदार और हमारे जो दूसरे स्टाफ हैं जिनको भी कार्रवाई करने का अधिकार है वो हमने दिए थे और ज़्यादातर सभी जगह पर शादियों में विजिट की गई, जहाँ भी उनको उल्लंघन लगा वहाँ पर कार्रवाई सबके द्वारा की गई है। एमएलए वाले क्या कर रहे हैं? उसमें एसडीएम को हमने बोल दिया था, उन्होंने जाके नियमानुसार जो जुर्माना बनता है उसी के हिसाब से कार्रवाई की। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ कई बंदिशें लगा रखी हैं। कई जगह इसका पालन भी हो रहा है मगर बिहार के कई जिलों में इन नियमों का खुलकर उल्लंघन भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला नवादा से सामने आया जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान बार बालाओं के ठुमके पर रात भर गांव वाले नाचते और झूमते दिखे। ये वीडियो नवादा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं को बुलाकर डांस प्रोग्राम कराया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोरोना तेजी से फैल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है लेकिन इस सब के बावजूद शादियों में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की ये तस्वीरें बानगी हैं कि किस तरह लोग जानबूझकर कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। गौर से देखिए कैसे डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में लोग डांस कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे भी हैं जिनके मुंह पर मास्क नहीं है, यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। जबकि यूपी के ललितपुर जिले में अब भी कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रशासन ने शादियों के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके बाद भी लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कोरोना इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी जिले की हैं। यहाँ सोमवार शाम 7 बजे के बाद से 3 मई तक कर्फ्यू का जैसे ही ऐलान हुआ लोगों में खलबली मच गई। बाजारों में सुबह से ही खरीदारी करने वालों की भीड़ जुटने लगी तो हालात इस कदर खराब हो गए कि जगह जगह जैम की स्थिति बन गई। कोरोना के खतरे के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर नहीं आए तो बेतहाशा भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन भी असमर्थ दिखा। सवाल ये कि कब जनता ये समझेगी कि सरकारों के साथ साथ कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हम सबके लिए जरूरी है। इस आपदा से बाहर निकलने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। कोरोना की इस महामारी के दूसरी लहर के दौरान देश के